नाउ अभी तक दोस्तों मैंने कवर किया आपके सामने ये सारे एग्जांपल्स, क्या कैट कमांड क्या होता है, टैग कमांड क्या होता है, डब्ल्यूसी कमांड क्या होता है, और आपके सामने सेमी कॉलन क्या होता है, टाइप सिंबल क्या होता है, होपफुली बड़े प्यार से आपने यहाँ पे सीखा, सिंगल ग्रेटर देन क्या होता है, डबल ग्रेटर देन क्या होता है आपका, फिर टी कमांड क्या होती है, टी हाइफन ए क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, इसी टॉपिक को मूव ऑन कर रहा हूँ आगे की तरफ। किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर जो कैट कमांड है ना, कैट कमांड सर इससे जो आउटपुट आता है ना, पूरे आउटपुट को डिस्प्ले करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एक फाइल में 50,000 लाइन है तो सर वो 50,000 को प्रिंट करेगा, मानेगा नहीं वो। तो क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि केवल जैसे मुझे टॉप से इतना चाहिए या बॉटम से इतना चाहिए या मिडिल में से मुझे ये वाली लाइन चाहिए, मिडिल ऑर्डर में से, तो मुश्किल है, कैट कमांड से तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए टॉपिक बनाया गया, हेड एंड टेल कमांड आपको बना के दिया गया, जिसकी सहायता से आप लोग क्या कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम या मिडिल लेवल का कंटेंट दोस्तों निकाल सकते हैं बड़े प्यार से। आप सुनिए ध्यान से एक बार, हेड कमांड दोस्तों क्या करता है, देखो इट डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट 10 लाइंस फ्रॉम टॉप ऑफ एनी फाइल और ऑफ एनी कमांड आउटपुट। दोस्तों इस बात को भी समझना पड़ेगा आपको, किसी कमांड के आउटपुट में से या किसी फाइल में से आपको एक टॉप से केवल 10 लाइन प्रिंट करेगा, ठीक है। कस्टमाइज कर सकते हो, आपकी मर्जी की, आपको और कितना चाहिए वो आप बता सकते हैं। आपको डिफॉल्ट 10 लाइंस देगा टॉप से आपका, फ्रॉम देखो मैंने टॉप लिखा है, टेल कमांड क्या करेगा, सेम डेफिनेशन यहां से कॉपी कर लीजिए प्लीज आप लोग, और यहां पे पेस्ट कर लीजिए इसको आप, दैट्स इट। नाउ फ्रॉम बॉटम, यस ऑफ एनी फाइल, और दूसरा क्या है, फ्रॉम एनी कमांड आउटपुट। हाँ चलिए, तो अब इसका एग्जाम्पल क्या बनता है या सिंटेक्स क्या बनता है कमांड का, पहले उसके बारे में बात करता हूं मैं आपसे। दोस्तों सिंटेक्स देखो इसका ये बनता है, यहां पे दोस्तों आएगा हेड, देन यहां पे आएंगे ऑप्शंस, और दोस्तों यहां पे आपके सामने आएगा फाइल नेम। हाँ अगर मैं आपके सामने बोलूं टेल देन ऑप्शंस, ध्यान दीजिए प्लीज, हेड टेल में आपका ऑप्शंस आएगा, देन यहां पे दोस्तों आपके सामने आएगा फाइल नेम, हेड ऑप्शंस देन फाइल नेम देन टेल ऑप्शंस अगेन फाइल नेम। हाँ नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल और देने जा रहा हूं आगे, इसी टॉपिक को दोस्तों उल्टा कर दो आप। अगर हेड टेल किसी कमांड के ऊपर चलाना पड़ेगा आपको, तो क्या करेंगे आप, यहां पे कोई भी कमांड नेम आएगा दोस्तों, कमांड नेम आएगा और उसके ऊपर आपको पाइप लगाना पड़ेगा, और यहां पे हेड और देन दोस्तों क्या आ सकता है, यहां पे ऑप्शंस आ सकते हैं। वैसे ही आप ये समझिए, कमांड नेम पाइप, पाइप सिंबल में अभी अभी लास्ट वाली अभी पॉइंट टॉपिक में आपके सामने कवर कर चुका हूं। ये देखो दोस्तों ये है इसका प्रॉपर सिंटैक्स, हेड टेल कमांड को इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं यहाँ पे। अब लेकिन एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल हम लोग क्रिएट करते हैं कि इसका एग्जांपल कैसे रहेगा और क्या तरीका रहेगा उसको दोस्तों यूटिलाइज करने का, ठीक है। चलिए आगे, हाँ सर, इसमें जो आपने लिखा है सर, इसमें 10 लाइन, तो ये मिनिमम 10 लाइन ही दिखाएगा, मिनिमम मतलब बाय डिफॉल्ट 10 देगा, लेकिन आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो, है ना, कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब मिनिमम 10 तो आएंगे बिल्कुल। अब आप दोस्तों ऐसे समझो, यहाँ पे टॉपिक को आप ऐसे समझिए, इसको अभी फिलहाल आपके सामने देखो, अगर मैं आपके सामने कैट कमांड चलाता हूँ दोस्तों, कैट समझिए ध्यान से, ये क्या करेगा पता है, टॉप से जितना भी कंटेंट बॉटम तक होगा, इसको मतलब नहीं होता इस बात के, ये भैया सारा कंटेंट आपको दिखाएगा। अच्छा मैं एग्जांपल के तौर पे ईटीसी पासवर्ड को यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन आप ये मत याद कर लेना कि सारे एग्जांपल इसी पे करने हैं हमको, आप बाद में किसी पे भी एग्जांपल करो, मेरे पास अभी ये अच्छी फाइल है, मैं इसी पे पढ़ा सकता हूँ आपको, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ अगर दोस्तों मैं बोलता हूँ कि नहीं, हैड ईटीसी पास डब्ल्यूडी, बिल्कुल सही बात है, ऊपर से टॉप से देखो सर 10 लाइंस आपके सामने प्रिंट कर दी, 10 लाइंस, टेल करता हूं दोस्तों मैं
ईटीसी पासवर्ड बॉटम से 10 लाइंस आपको दे देगा, बॉटम से बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं करता हूं आपके सामने हैड हाइफन एन मींस नंबर ऑफ लाइंस वी नीड 5 लाइंस फ्रॉम टॉप, नाउ 5 लाइंस दोस्तों टॉप से देखो आपके सामने आ गए यहां पे। अच्छा कुछ बच्चे मुझे क्या बोलते हैं सर हम ऑफिस में ना यही कमांड ऐसे भी चलाते हैं तो चल जाता है, चलाइए आराम से। ये हाइफन एन जो ऑप्शन है ना हेड के अंदर इनबिल्ट लगा हुआ है दोस्तों, तो आप अगर सिंपल इसको ना लगाएं एन को छोड़ दीजिए अब काम चलेगा। अब देखो टेल हाइफन 5 ईटीसी पासवर्ड, ये देखो चल रहा है बॉटम से 5 यूजर चाहिए मुझे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मैं अगर यहाँ पे एन ना लगाऊं तब भी देखो कमांड चलेगा आपका, डन दोस्तों। अच्छा एक कमांड को देखो जोड़ते कैसे, सुनना एक बार ध्यान से, हेड हाइफन एन 5 ईटीसी पासवर्ड सेमी कॉलन टेल हाइफन एन 5 ईटीसी पासवर्ड। अब देखो यहाँ बीच में फिर एग्जांपल आ गया सेमी कॉलन का आपके सामने, दोनों का क्या गलत हो गया कुछ, नहीं सही है ना, देखो दोस्तों दोनों का थोड़ा गया, टॉप से ये 5 लाइन आ गया और बॉटम से ये 5 लाइन आ गया, तो ये देखो अच्छा एग्जांपल है आपके सामने है। अब एक नई चीज सुनिए ध्यान से आप, इसी कमांड में अगर मैं और छोटा कर दूं कमांड को, इसको आप ऐसे कर दो इसको आप ऐसे करो तब भी कमांड चलेगा आपका, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों एक नई चीज देखो ध्यान से आप, क्या मैंने बोला कि मुझे सबसे पहला यूजर बताओ लिनक्स का, अभी आपकी मशीन में सबसे पहला यूजर कौन सा है और अभी सबसे लास्ट वाला यूजर कौन सा बना हुआ है वो बताइए मुझे आप। तो देखो ये कमांड आपके टास्क को सॉल्व कर देगा, ये कह रहा है सबसे पहला यूजर मशीन में अभी फिलहाल रूट बना हुआ है और सबसे लेटेस्ट लास्ट में जो यूजर बनाया आपने हैं वो दीपक नाम का यूजर आपने बना रखा है मशीन के अंदर, ठीक है। तो ये तरीका है कमांड चलाने का। तो मेरे हिसाब से आपको टॉप से कस्टमाइज करना आ गया, आउटपुट बॉटम से करना आ गया, बड़े प्यार से कर लोगे आप। तो इसी कमांड को अब देखो रिवर्स मोड में चलाइए आप, जैसे कई बच्चे बोलते हैं सर आपने ये ईटीसी पासवर्ड आपने लिया प्रूफ नहीं हो पा रहा है इसमें सर ये 10 लाइन है क्या, तो भैया इसके ऊपर आप क्या लगा दीजिए आप यहाँ पे कैट हाइफन एन लगा दो आप, तो देखो लाइन नंबर में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन आपको प्रूफ करना है सिर्फ कि ये रियली ये 10 लाइन्स हैं। तो देखो मैंने WC हाइफन एल किया तो ये बता रहा है हाँ जी 10 लाइन्स हैं, 10 लाइन्स हैं आपकी, और ये देखो अगर मैंने ऐसे किया दोस्तों तो ये कह रहा है हाँ जी 10 लाइन्स आपकी हैं ये वाली, तो आउटपुट आपका गलत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे, अब एक बात बताइए प्लीज मुझे यहाँ पे, हेड कमांड से आपको टॉप से आउटपुट लेना आ गया, बॉटम से आपको लेना आ गया आउटपुट है, और डिफॉल्ट लेना भी आ गया, डिफॉल्ट बॉटम से डिफॉल्ट टॉप से। अब मैं आपसे बोलता हूँ मान लो एग्जांपल ईटीसी पासवर्ड को कैट करते हैं एक बार, मैं आपसे बोल रहा हूँ इस पूरी फाइल में से मुझे ये 31 नंबर से लेके, ध्यान देना 31 से लेके 35 तक का आउटपुट चाहिए मुझे, बट दुख की बात पता क्या है, हेड टेल में रेंज देने का ऑप्शन नहीं होता कि भाई 31 से 35 तक प्रिंट मार दो, नहीं हेड क्या कहता है या तो मैं टॉप से लाइन प्रिंट करूंगा या बॉटम से करूंगा, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे अंदर जहां पे 31 टू 35 आप ले लें प्रिंट आप, नहीं। बट दोस्तों मैंने आपको अभी एक चीज पढ़ाई थी, याद करो पाइप सिंबल, आपको पाइप सिंबल से चीज कर सकते हैं कैसे, देखो देखो एक दिमाग लगाओ आप, आइडिया ये लगाओ आप, अगर पूरी फाइल में हमारा ये आउटपुट है, मान लो ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर हमारी 51 है दोस्तों, मुझे ये डेटा चाहिए 31 से लेके 35 तक का डेटा चाहिए, पकड़ना बात को। अगर हेड कमांड को बोलूं हेड कमांड को कि तुम्हारा पॉइंटर यहां बना दो 35 के ऊपर, तो पता है हेड कमांड क्या करेगी, इस नीचे वाले कंटेंट को रिमूव कर देगा वो, और यहाँ पाइप लगा दूं उसको बोलूं 5 कमांड पीछे आ जाओ, आप 5 लाइन पीछे आ जाओ सॉरी, तो 5 लाइन पीछे आएगा तो वो इसको कैप्चर कर लेगा यहाँ से, तो वो इस वाले को उठा देगा यहाँ से। दोस्तों इस तरीके से बीच का कंटेंट आपके सामने निकल के आ पाएगा, होपफुली समझ में आया होगा अभी आपको है। अब देखो ध्यान से मैं क्या करता हूँ, देखो अगर मैं आपके सामने ऐसा करूं कैट हाइफन एन ईटीसी पासवर्ड, आउटपुट ऐसे आ रहा है दोस्तों, इस कमांड को मैं ऐसे भी तो चला सकता हूँ, जैसे मान लो हेड हाइफन एन 5, अभी भी तो आउटपुट सही है ना आपका, अगर मैं ऐसे करूं टेल हाइफन एन 5 तो ये भी कमांड चलेगा, क्यों, उधर भी उधर वाली कमांड क्या कर रही है, कैट कंटेंट को रीड कर रही है, कंटेंट प्रिंट कर रही है, और ये उसको क्या बोल रहा है कि हम इतना लाइन दिखाएंगे बस आपको। तो देखो ये भी एग्जांपल बन गया आपके सामने, अपने वाले एग्जांपल पे आते हैं, अभी हमारा एग्जांपल क्या था, अगर सोचो यहाँ पाइप लगा दूं और हेड हाइफन एन 35 लिख दूं यहाँ पे मैं, सुनिए ये सीधे पॉइंटर काटेगा 35 पे जाके, तो आप समझिए बात को, उसने 35 से नीचे वाला कंटेंट उड़ा दिया,
पर अगर मैं इसमें एक पाइप और लगा दूं और बोलूं इसको, ये देखो लेफ्ट में 31 से लेके 35 तक का आउटपुट आ गया आपके सामने। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इस आउटपुट को स्टोर कर दो कहीं पे आप, ध्यान दीजिए। तो जो कैट के अंदर टेम्प पास डब्ल्यूडी बनेगा ना दोस्तों, उसमें ये 5 लाइन देखो अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा कई बच्चे बोलते हैं सर इसमें आपने कैट हाइफन एन ये क्यों लगाया, इसके बिना भी तो कमांड चल सकती है। बिल्कुल चलेगी, ये देखो अगर मैं ऐसे करता ETC पासवर्ड, बिल्कुल सही बात है। बट इसमें ना आपको थोड़ा प्रूफ करना मुश्किल पड़ रहा है मुझे, वो आपको समझाने में दिक्कत हो रही है बस। आया तो आउटपुट देखो वही है ये। अच्छा एक बात सुनिए, अगर आप कैट हाइफन एन देखो यहाँ लगाओगे दोस्तों गलत हो जाएगा, पता क्यों? ये कैट हाइफन एन तो इस करंट आउटपुट को नंबर में कन्वर्ट करेगा, आप देखो ये नॉट उसको करंट नंबरिंग दिखाएगा। तो देखो इसका ये देखो चीज समझने वाली है यहाँ पे। तो कैट हाइफन एन आपको यहाँ करने से फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है, अब इसको यहाँ से भले हटा दो आप, क्यों? क्योंकि वो उधर के एक्चुअल नंबर को प्रिंट कर रहा है आपके सामने। ये कैट हाइफन एन केवल लेफ्ट के आउटपुट को नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, नॉट एक्चुअल नंबरिंग को लेके आ रहा है। तो ये कमांड आपकी एक्चुअल नंबरिंग को लेके आएगी वहां से। दोस्तों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं एक टास्क पूछ रहा हूँ आपसे, आंसर देना मुझे उस बात का। आपको क्या करना है, एक कमांड है LSBL के, आपको केवल और केवल दोस्तों यहां से लेके यहां तक का आउटपुट प्रिंट करना है मेरे सामने। आपको ये 3 लाइन प्रिंट करनी है आपको बस। अब बताइए कैसे करेंगे आप? तो अगर मैं यहां पे पहले कैट हाइफन एन लगा लूं सहूलियत के लिए, लग गया जी। अब इसको बोलूं मैं हेड, चलिए कहां तक, कहां तक चलिए? अरे 5 नंबर तक ना, 5 तक गया। अब मैं इसको बोलूं वापस आइए लौट के, आप कितना वापस आइए? 3 आ गया आउटपुट। अच्छा ये कहीं पे स्टोर करना है तो मैंने आपको स्टोर करना सिखा दिया, वैसे कर सकते हैं आप। एक नया एग्जांपल के बिना भी चल जाता है ना सर ये? बिल्कुल चलेगा दोस्त, आप ऐसे कर सकते हैं आराम से, चलेगा। अब एक नया एग्जांपल देखो, आप मैं आपसे बोल रहा हूँ LSCPU में से ये ऊपर का टॉप से मुझे 3 लाइन चाहिए। ये एग्जांपल मैंने कराया भी था आपको याद करो, कैट हाइफन एन और हेड हाइफन एन 3। अच्छा अब आप सुनिए ध्यान से, अब ये कैट हाइफन एन पहले क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि LSCPU दोस्तों क्या है, कमांड है, फाइल नहीं है वो, हाँ। तो देखो अब ये दोस्तों यहाँ पे 3 लाइन आपके सामने आ गया। अच्छा एक टास्क पूछे जा रहा हूँ, मुझे उस बात का आंसर देना एक बार आप लोग। आपको इसमें से केवल ये प्रिंट करना है कि इंटेल Xeon प्रोसेसर पे आप काम कर रहे हैं बस मशीन के अंदर। ये खाली मॉडल नेम आपको प्रिंट करना है, दूसरे में आपका प्रोसेसर लिखा रहा है, क्या करें बताइए? हेड अगर मैं ऐसे करूं तो ये ओनली 200 लाइन नंबर 13 प्रिंट करेगा या 1 to 13 प्रिंट करेगा? 1 to 13 आएगा, इसमें याद रखना। और अगर मैं यहाँ पे टेल हाइफन एन 1 कर दूं तो अब क्या आएगा दोस्तों? अब 13 आ गया। अब तो आ गया होगा आपको समझ में, हैं? जी सर। अच्छा इसी बहाने देखो आपका हेड टिल टॉपिक चलता जा रहा है और पाइप सिंबल के एग्जांपल आपके सामने आते जा रहे हैं, तो मैंने यही बोला था कि टॉपिक आगे जाके कंटिन्यू चलेगा ये। तो इस तरीके से हम लोग देखो बात कर रहे थे आपके सामने, डन दोस्तों। अब आते हैं अगले वाले पार्ट पे, इसी के अंदर टॉपिक के अंदर। तो आपको कमांड्स को जोड़, देखो हेड टेल किसी फाइल पे कैसे चलाते हैं आपको ये भी समझ में आ गया। देखो फाइल का एग्जांपल दोस्तों ये वाला था, अब इसको किसी कमांड पे कैसे चलाते हैं? तो ये एग्जांपल देखो उल्टा कर दो आप, ये किसका एग्जांपल बन गया आपके सामने दोस्तों? कमांड का एग्जांपल बन गया। तो यही बात तो लिखी थी मैंने यहाँ पे कि हेड टेल किसी फाइल पे चलाओगे ऐसे चलेगा और किसी कमांड पे चलाओगे तो ये सिंटेक्स बनेगा आपका, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आइए अब दोस्तों। ये हेड टेल के सारे ऑप्शन थे जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाए, लेकिन कई बच्चे मुझे पता क्या बोलते हैं कि सर मेरे ऑफिस में एक चीज मैंने नोटिस करी है, एक चीज दोस्तों मैंने नोटिस करी है क्या, कि हम जो लॉग पढ़ते हैं सर्वर के सारे जो लॉग होते हैं दोस्तों, एक पहले तो एक बात सुनिए प्लीज आप, लिनक्स में जितनी भी सर्विस चलती हैं या हम सर्वर कॉन्फिगर करते हैं, हर सर्वर की दोस्तों अपनी पर्सनल एक क्या होती है, एक लॉग फाइल होती है। क्या होती है? लॉग फाइल। लॉग का मतलब होता है उसमें एक्टिविटी जो भी हिट आ रहा है, जो भी दोस्तों उसके ऊपर हिट आ रहा है उसका एक लॉग वहां बन जाता है, उसको हम पढ़ सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब किसी फाइल में लॉग आता होगा तो लॉग हमेशा कैसे आएगा दोस्तों?
हमेशा बॉटम में ऐड होगा ना लॉग आपका, नॉट टॉप पे जाके ऐड होगा। तो लोग पता है मुझे क्या बोलते हैं कि सर ये बताओ लिरिक्स में लॉग पढ़ने की कमांड कौन सी है। सीधी सी भाषा याद कर लो, लॉग पढ़ना इस वाली क्लास में नहीं आ पाएगा आपको, ये तो धीरे धीरे आपको सीखोगे आगे जाके आप। बस आप एक कमांड, आपसे जो इंटरव्यू पूछी जाती है कि हमने सुना है हेड टेल में से कोई एक कमांड है जिसके द्वारा लॉग भी पढ़ सकते हैं हम लोग, वो कमांड कौन सी दोस्तों? टेल कमांड है, वो हेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हेड में तो टॉप से कंटेंट आपको दिखता है। अब आपको लेटेस्ट लॉग पढ़ना है, लेटेस्ट वाला लॉग, तो बॉटम में पढ़ोगे ना आप हमेशा, तो इसलिए टेल आंसर देते हैं उस बात का। तो पहले तो दोस्तों आप ये याद करो, ये हमारे मशीन में रूट के ऊपर दोस्तों फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर एक वेयर नाम का फोल्डर है, इसके अंदर एक लॉग नाम का फोल्डर है जिसमें देखो सारी लॉग फाइल यहाँ जनरेट होती है मशीन के अंदर। देखो जैसे यहाँ पे एक फाइल आ रही है मैसेजेस, मेल लॉग, सिक्योर, देखो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। एक एग्जांपल दूं आपको, ये देखो जैसे ही मैंने कोई यूजर ऐड किया आपके सामने सोनिया के नाम से, देखो आपको क्या समझ में आता है कि होम के अंदर हमारा अकाउंट बन गया सोनिया का, और सर कैट ईटीसी पासवर्ड के अंदर सोनिया को एक आईडी असाइन हो गई है यहाँ पे। लेकिन पता है देखो ये सेम आईडी कहाँ दिखेगी आपको? वेयर लॉग सिक्योर के अंदर दिखेगी दोस्तों। आप एक बात समझिए कि हर फाइल के अंदर कोई ना कोई अपना अपना काम होता है। अब ये मत याद करना कि मैं सिक्योर का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ आपको। तो देखो नीचे इसने बता दिया कि आपने इतने बजे एक सोनिया नाम की यूजर दोस्तों आपने क्या करी है यहाँ पे, क्रिएट करी है आपने। समझिए बात को, यहाँ पे देखो बता रहा है इसका यू आई डी ये है, ग्रुप आई डी ये है, होम अकाउंट कहाँ बना है इसका, स्लैश होम स्लैश सोनिया के अंदर बना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ क्या कि यार अगर मैं ये कैट कमांड चलाऊंगा बार बार, तो कैट कमांड पता दोस्तों क्या करेगा? सुनिए ध्यान से, लोग पता क्या कहते हैं, सर हम कैट कमांड से लॉग नहीं पढ़ते कभी। क्यों? मान लो सर सर्वर हमारा 3 साल से चल रहा है लगातार, 4 साल से सर्वर लगातार चल रहा है और 4 साल के लॉग इसमें लगातार जा रहे हैं, तो सर ये लॉग फाइल तो बहुत बड़ी हो गई है ना। मान लो उसमें 50,000 लाइन है, तो सर ये 50,000 लाइन को प्रिंट मारेगा ये तो नहीं। सर हम कमांड चलाते हैं टेल कमांड। क्यों? क्यों? बॉटम से कितना लाइन प्रिंट करेगा ये? 10 लाइन। देखो आपके सामने क्या हुआ इस कमांड से, केवल और केवल दोस्तों 10 लाइंस, लेटेस्ट 10 लाइंस इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। लेकिन लोग पता क्या कहते हैं, सर अगर इसी लॉग को मुझे कंटिन्यूसली पढ़ना है स्क्रीन के ऊपर, कंटिन्यूसली स्क्रीन के ऊपर पढ़ना है मुझे, तो नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्यों नहीं पढ़ सकते? ये देखो 10 लाइन दिखा के रुक गया, दोबारा पढ़ना है मुझे नया लॉग, फिर मुझे कमांड चलानी पड़ेगी, दोबारा फिर चेक करना है कुछ नया आया क्या, फिर चलाना पड़ेगा दोबारा, फिर देखना है, फिर देखना पड़ेगा। नहीं, एक एग्जांपल दूं लाइव आपको, मैं ये चाहता हूं कि ये लॉग ना स्क्रीन पे चलता रहे मेरे ऐसे बॉटम टू आप ऐसे चलता रोटेट होता रहे अपने आप से। दोस्तों इस कमांड में एक ऑप्शन होता है हाइफन एफ। क्या ऑप्शन होता है? हाइफन एफ। दोस्तों हाइफन एफ का मतलब होता है किसी आउटपुट को फॉलो करना लगातार, या फ्रीक्वेंटली वो आउटपुट चलता रहेगा ऑन द स्क्रीन। हाँ, तुम अगर रोकना चाहते हो तो कंट्रोल सी प्रेस करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल सी, अदरवाइज वो चलता रहेगा। देखो देखना एक बार प्लीज, ध्यान दो प्लीज, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, हैं? अबे वेट कर रहा है। देखो मैं एक काम करके दिखाता हूँ आपको, एक टर्मिनल में और खोलता हूँ, देखो आपके सामने एक में नया विंडो दोस्तों मैंने खोल दिया यहाँ पे, हैं? ये देखो, ध्यान देना प्लीज, ये नई विंडो मैंने खोली आपके सामने। अब इस पे जाके मैं एक कमांड फायर कर रहा हूं, यूजर एड, बताइए मुझे कोई नई एक्टिविटी हुई तो क्या आपको टेल हाइफन एफ दोबारा चलाना पड़ा? नहीं, उसने देखो ऑटोमेटिक आपको अपडेट मार दिया यहाँ पे। अच्छा, मैंने यूजर डेल से इसको लो डिलीट कर दिया, देखो नीचे रिपोर्ट अपने आप आ गई कि आपने इसको क्या किया, रिमूव कराया आपने। अच्छा सुनिए, मैंने यूजर एड किया दीप नाम से, और दीप को मैंने देखो एक पासवर्ड भी दे दिया 123123। तो देखो नीचे वो अपडेट भी हो गया अपने आप से, हैं? ये है दोस्तों इसका फायदा। अब इसको भले ही बंद कर दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये लॉग आपको स्टॉप करना है यहाँ पे, तो दोस्तों कंट्रोल सी प्रेस कर दो यहाँ से आप। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा था आपसे। जब भी कोई आपसे पूछे कि आपको स्क्रीन के ऊपर आपको लॉग पढ़ना है लगातार आपको, तो क्या करेंगे आप भैया? टेल हाइफन एफ चलाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है क्या टेल हाइफन एफ कमांड से एट अ टाइम मल्टीपल लॉग पढ़ सकते हैं आप? यस, पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल दूं आपको लाइव, लाइव सुनिए। मान लो आपका अपाचे सर्वर चल रहा है दोस्तों, वेब सर्वर चल रहा है, उसमें एक जगह पे तो आपके सर्विसेज का लॉग आता है,
एक जगह पे, और एक जगह पे लॉग आता है आपका, मतलब जैसे कहीं पे सक्सेसफुली लॉग बन रहा है वो एक फाइल में जाएगा, जहां पे एरर जनरेट हो रहा है वो दूसरी फाइल में जाता है। तो यूजर पता क्या कहना चाह रहा है कि सर कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों लॉग मुझे एक टाइम पे स्क्रीन पे दिखें। एग्जांपल दूं आपको, मान लो एक ये वाली फाइल है और दोस्तों एक ये वाली फाइल है। अब देखो फायदा देखो इसका, यहाँ पे सिक्योर वाला लॉग दोस्तों जो इसमें आएगा वो यहाँ अपडेट दिखता रहेगा आपको, और जो मैसेज में आएगा ना वो यहाँ दिखता रहेगा। तो एट अ टाइम हम लोग दोस्तों कंट्रोल सी करेंगे। दोस्तों एक ये भी तरीका है मल्टीपल लॉग फाइल को क्या करने का, रीड करने का। समझ में आया आपको, नहीं आया दोस्तों? जी सर आ गया, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब जरा एक प्लीज आगे बात सुनिए। तो हेड टेल अब बड़े प्यार से आप लोग यूज कर लोगे कि हेड कमांड सर ऐसे काम करता है, टेल कमांड ऐसे काम करता है, हा? तो इसके सारे एग्जांपल दोस्तों आपको करने हैं आपको। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, आपको कभी भी मेरे वाले एग्जांपल याद मत किया करो, आप अपने एग्जांपल जनरेट किया करो नए। जैसे मैं आपको ईटीसी पासवर्ड प्रैक्टिस करा रहा था मैं आपको, आपको नहीं करना, आपको लो अभी आपको करना है ईटीसी क्रॉनटैप के ऊपर, तो भैया आप क्रॉनटैप के ऊपर प्रैक्टिस कर लो लो है। आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ प्रैक्टिस कर लो, आपकी मर्जी है ये तो सब ना। डन दोस्तों? तो दोस्तों ये टॉपिक था हमारा, हेड और टेल कमांड को आप किस तरीके से क्या करोगे दोस्तों, यूटिलाइज करोगे आप, राइट? तो मेरे हिसाब से आपको हेड टेल बड़े प्यार से आपको यूज करना आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है? तो एक सेकंड में आपसे बात करूं, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, वरना मैं यहाँ तक इसको अभी स्टॉप करके मैं फिर अगले वाले टॉपिक पे दोस्तों मूव ऑन कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है? टेल कमांड से वो जो है मतलब नीचे से दो दो, दो प्रिंट कर दिया, अगर हम हाइफन टू यूज करते हैं, राइट? हाँ, मतलब अगर जैसे टू नहीं करोगे दोस्त आप, तो ये बॉटम से फिर क्या देगा आपको, 10 लाइंस देगा ना बॉटम से आपको। और अगर आपको ये प्रूफ चाहिए इस बात का, तो देखो डब्ल्यू सी हाइफन एल कर लो आप, वो टेल आपको दिखा रहा है आपको। और आपने अगर इसी कमांड में दोस्त आपके सामने मैंने किया होता है यहाँ पे ये वाला एग्जांपल, सॉरी। अच्छा एक बात हाँ और सुनिए, अगर आपके सामने यहाँ पे इनवैलिड ऑप्शन का एरर आए ना, तो समझ जाना वो गलत नहीं है, वो आपको वार्निंग दे रहा है कि भाई आपका ये ऑप्शन कोई इसमें है नहीं कमांड में, आप गलत चला रहे हैं कमांड को। तो दोस्त यहाँ पे क्या करोगे आप स्मॉल एन लगाया, सॉरी टू लिखो यहाँ पे, तो इस तरीके से आउटपुट आपके सामने आएगा। डन दोस्तों? चलो